फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएम डिजाइन। तो दोस्तों, हम जो लास्ट क्लास थे उसमें हमने क्या देखा, उसकी जो हम आउटर बॉडी है उसकी हम इसकी एक रेप्लिका निकाले। तो इस वाले जो वीडियो होंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी जो पूरी रेप्लिका से हम इसको अलग अलग पार्ट में कैसे सेग्रीगेट करते हैं। इसमें जैसे आप देख पा रहे हो, ये अलग पार्ट है ना, बेसिकली ये अलग पार्ट है आपका, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और यहाँ पे अलग पार्ट है। तो हम जो कम्प्लीट बॉडी है इसको हम अलग अलग पार्ट में कैसे सेग्रीगेट करेंगे, क्या प्रोसेस लगाएंगे उसमें। दूसरी चीज़ है, एक पार्ट को दूसरी पार्ट में हम कैसे इसमें असेंबली करेंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे इसको होल्ड करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कैसे लॉक लगाऊंगा, क्या लॉक लगाऊंगा, इसमें स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या होगा। तो इस वीडियो में हम वो चीज़ें बनाने वाले हैं, ठीक है। तो और एक वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में लास्ट में मैं असेंबली करके दिखाऊंगा, उसके बाद इसकी हम कम्प्लीट मोल्ड डिजाइन करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो तक लास्ट तक जरूर रहना है। इस वीडियो में जो है आपको हर एक फीचर्स कैसे बनाती है, क्या क्या आपको ऐड करना पड़ता है, वो सब चीज़ें इसमें बताने वाला हो। तो दोस्तों, जिसने भी पहले वाला वीडियो नहीं देखा, अब वो पहले वाला वीडियो देख ले, क्योंकि पहले वाला वीडियो नहीं देखोगे तो इसने मैंने कितना डायमेंशन लिया था, कहाँ पे कितना मैंने वैल्यूज लिया था, वो आपको पता नहीं चलेंगे। अब जब भी इसको बनाने की कोशिश करोगे वो आप बना नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग से जो मेरा पार्ट वन है वहाँ से वीडियो देखे, क्योंकि वहाँ पे देख के आप हर एक चीज़ें खुद से बना सकते हो। हर एक चीज़ें मैं यहाँ पे डायमेंशन मेंशन किया हूँ, इवन कॉन्स्टेंट भी यूज़ करा हूँ, तो कैसे कॉन्स्टेंट लगाना है मैंने डाल के रखा हूँ। सब लोग वहाँ से जाके देखे और खुद से सिस्टम में बना के कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ें पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, जो भी चीज़ें पूछना हो डायरेक्ट आप पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, दोज़ हू वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस दे कैन जॉइन विद मी। सो मेनी कोर्सेज आई प्रोवाइड, लाइक मोल्ड डिजाइनिंग, टूल डिजाइनिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, सो मेनी कोर्स आई हैव। Do you want to join my classes? They can directly ping me on WhatsApp or the contact number I have provided. They can directly contact with me. So, इस वीडियो में जो लास्ट होंगे, लास्ट में मैं जो है इसकी जो है कंप्लीट मोल्ड डिजाइन डाल दूंगा, जो ऑलरेडी हमने मैन्युफैक्चर किया है उसके साथ मैं फोटो डाल दूंगा, और जो प्रोडक्ट की 30 शॉट निकला है, मतलब जो पहला शॉट निकला है, तो उसकी भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि जो भी मैं मोल्ड डिजाइन बनाता हूँ उसकी आपको 30 पार्ट में हमेशा दिखाता हूँ। और जो भी मोल्ड डिजाइन में बनाता हूँ, जिसके लिए भी मैं मोल्ड डिजाइन बनाता हूँ, मैं 30 में ओके सैंपल दूंगा, ये मेरे तरफ से गारंटी रहता है। तो आप देख पा रहे हो इसकी जो है, मैं जब इसकी वीडियो के लास्ट में मैं कंप्लीट डाल लूंगा। और जो भी कैलकुलेशन थ्योरीज वगैरह होंगे, जैसे एक रिप के साथ दूसरा रिप की कितना डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, इसको हम स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो हर एक चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अभी जो है इसके ऊपर का हम जो इसकी हैंडल है वो बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्केच लेना है, ये वाला एरिया में स्केच लेना है आपको। जैसे आप स्केच लेंगे, आपको एक यहाँ से जो ये वाला एरिया है, यहाँ से मैं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा चैम्फर है, तो इसी एरिया को मैं लूँगा 25 mm राउंड लेंगे, ठीक है। तो और यहाँ से एक लाइन लेंगे हम, ये जो लाइन के डिस्टेंस होंगे अराउंड 30 mm हम लाइन के डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक मैं कर्व लूँगा। देखो, जब भी कर्व लोगे ना इसके साथ, एक कॉन्स्टेंट हमको देना है, क्योंकि अगर बाद में आप कुछ ही चीज़ अगर सही नहीं बना तो आप इसको सेंस करोगे ना, तो सेंस करने के साथ इसके साथ जो है पूरी आर्टिकल सेंस हो जाएगा। आपको क्या करना है, हमेशा इसके और जो ये कर्व है, देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस सिलेक्ट हो रहा है ना, तो ये गलत है, इसको कंटिन्यूअस सिलेक्ट नहीं करना है, ये और आपका साथ इसके साथ जो है एक एक जो है आपको रेडियस देना है, एंगल ये और ये दोनों के बीच में एक एंगल देना है। कितना डिग्री एंगल देना है, अराउंड 45 एंगल देना है, ठीक है, 45 एंगल लेना है। बस मैं यहाँ पे 45 नहीं लूँगा, 30 एंगल ले रहा हूँ, 30 डिग्री का ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को एरिया ज़्यादा सही है। और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम, और जो ये ट्रिम होने की बात, ये जो रिपीट डायमेंशन है, तो रिपीट डायमेंशन है इसका, जो मैं इसका जो मैं डायमेंशन रखूंगा ना, ये अराउंड रख दूंगा मैं 100, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक सर्टेन एंगल भी डिसाइड करना है। और इसके बाद इसको जो है मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा, इसके साथ मिलाऊंगा, हाँ, मैं इसको प्रोजेक्ट करने के बाद ये लाइन और ये लाइन को मैं आपस में मिला दूंगा, और इसको जो है मैं कन्वर्ट टू सेंटर लाइन कर दूंगा, ठीक है। अब आपको देखना है, आपको ये अगर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये वाला एरिया अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हो। जैसे ये मेरा एरिया ज़्यादा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अराउंड 25 भी कर सकता हूँ, ठीक है।
और कुछ हद तक आप इसको कर सकते हो 25 mm, 25 mm, 50 mm अराउंड, यहाँ पे अभी आपको गैप होंगे 10 mm के आसपास, 60 mm, 60 mm में आपका जो हार्ट का प्लम है आराम से घुस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो अराउंड से 50-60 mm में आराम से घुस जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके फिंगर जाने वाला है, ठीक है। तो ये वाला एरिया ध्यान रखना है, इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेन लेंगे। प्लेन लेंगे कैसे लेना है आपको, यहाँ पे पॉइंट एन डायरेक्शन लेना है, ठीक है। पॉइंट एन डायरेक्शन ये देना है, ठीक है। एक ये हो गया मेरा प्लेन, ये मेरा ये प्लान हो गया, दूसरा मेरा ये वाला प्लान हो गया, ये वाला लेना है, ठीक है। ये वाला प्लान लेना है, तीन प्लान लेके काम करना है। अब जो मेरा प्रीवियस प्लान है तो इसको जो है मैं हाइड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को बार बार ये दिक्कत ना करे। डन। अब आपको ये देखना है, आपको जो है ये देखना है, इसके पहले हम एक स्केच ले लेते हैं, ठीक है। हम जो यहाँ पे एक स्केच ले लेंगे, आपको स्केच जो है कहाँ से लेना है, स्केच आपको लेना है यहाँ से, इस सेंटर से लेना है, ठीक। अब जो है कैसे कितना लेना है, मैं आपको एक बार डायमेंशन बना देता हूँ। तो ये जो एरिया लूंगा मैं कुछ अराउंड लूंगा 25 का, ये चला गया है ऊपर, इसीलिए जब भी बनाना है कॉन्स्टेंट लगा के बनाना है आपको। ठीक है, 25, और ये जो एरिया है आपको बनाना है 20, ठीक है। 20 बनानी है, 18 भी बना सकते हो, ठीक है। मैं 20 बना रहा हूँ, इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको रेडियस लगाना है, कितने का, मैं 6 का रेडियस ले रहा हूँ, यहाँ भी मैं 6 का रेडियस ले रहा हूँ, मतलब आराम से पकड़ना, पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं 20 की जगह अगर मैं इसको 18 कर देता हूँ, हाँ ये जो 20 है इसको मैं कर देता हूँ 18। डन। 18 आपको याद रहेगा डायमेंशन मैंने कितना करा, कितना कितना बनाया है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी स्केच लूंगा, है ना, ये स्केच लूंगा। अगर देखो मान लो ऐसे करने में आपका स्केच तेरा हो गया, तो कैसे बनाओगे, इसको सिलेक्ट करके आपको F8 दबा देना है, क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट और जो इसकी सेंटर पॉइंट है, हम दोनों को 0-0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये वाला डायमेंशन के साथ, मतलब बेसिकली मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ ना, आप ऐसे ऐसे करते जाओ, आपको सारा चीज़ें समझ में आ ही जाएंगे। 25 का लिया था मैंने, और इसको कितना लेने के लिए बोला था आपको, 18 का, ठीक है। रेडियस कितना देने के लिए बोला था आपको मैंने, 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये भी बन गया है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो स्केच होगा आपका, देखो यहाँ पे भी जैसे मैंने घुमा दिया, आप मेरे को सिलेक्ट करने में दिक्कत, इसको सिलेक्ट करो, ये नो फिल्टर होना चाहिए यहाँ पे। सिलेक्ट करने के बाद Fn F8 दबा दो आप, ठीक है। फिर अगेन क्या लेना है, एक रेक्टेंगल लेना है ना। रेक्टेंगल लेने से पहले, डायमेंशन देने से पहले इनको और इन सभी को 0-0 कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, रेक्टेंगल वाला पॉइंट 0-0 करना है। उसके बाद आप डायमेंशन करते रहो, उसके बाद इसको जो है 25, ठीक है, और ये जो है 18 करना है, और उसके बाद आपको रेडियस मानना है। देखो सब सेम नहीं होगा, कुछ चेंज होगा, कुछ कौन कौन से वाले चेंज होगा, जो सबसे आगे वाला है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये वाला चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा हैंडल में, है ना। और उसके बाद जो है ये वाला प्लान है ना, इसके ऊपर भी आपको एक प्लान लेना पड़ेगा, इसके ऊपर ना एक प्लान लेना पड़ेगा।
प्लेन ले लिया, यहाँ पे मैं स्केच ले लूंगा। यहाँ पे भी एक स्केच लेना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है, लेकिन जो जो इसको देख के बनाएंगे ना उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ चीजें स्किप ना करूँ। पहले मैं क्या करता था, जब भी मैं स्केच बना रहता था स्किप कर देता था, तो कोई कोई बंदा कैसे स्केच बनाने में ना कोई कॉन्स्टेंट वगैरह ले लेता था, तो कॉन्स्टेंट लेने के चक्कर में उसकी जो है सभी चीज़ें चेंज हो जाता था, मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो है चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बना बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डन देखो, यहाँ पे इसको जो है मैं कर दूंगा सिंपली एक्सट्रूड, है ना, इसको हटा देता हूँ, इसको कर दिया मैंने एक्सट्रूड। सिमिलरली मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको भी मैंने कर दिया एक्सट्रूड, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको भी कर दिया एक्सट्रूड, अब मैं सभी को ले आता हूँ एक बार, पहले देख लेते हैं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 20 mm 25 mm के हिसाब से आपको देखना है। के बाद जो है इसको मैं इसके साथ कर दूंगा रिप्लेस, ठीक है, ये मेरा ओके है, ठीक है, यहां से यहां तक मेरा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हाइट ज्यादा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, अगर मोटा होंगे तो चीजें पकड़ने में आपके लिए इजी होंगे। उसके बाद जो ये एरिया है ना, इसके पास भी आपको एक स्केच लेना है, लेकिन इसकी स्केच और उसकी स्केच में डिफरेंस होंगे आपके, कैसे डिफरेंस होंगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ हम जो है एक स्केच ले लिया हमने, ठीक है, इसको हाइड कर दो। कौन से वाला स्केच में लेना है आपको, ये वाला लेना है ना, तो इसको हम कर देंगे नीचे, इसको सिलेक्ट करके F8 दबाना है, ठीक है। अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हो तो FN दबा के F8 दबाना है, ठीक है। और इसके और जो इसके है जीरो करना है, ठीक है, तो इसको हम 30 का कर देंगे, 30 का। और इसको हम कर देंगे, इसको हम 18 ही रखेंगे, सेम रखेंगे, इसकी हाइट में कुछ चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे इसके जो आपका रेडियस होंगे ना वो हम कर देंगे 8 का। अब देखोगे यहाँ पे 8 में मिल रहा है ना, ये भी एक तरीका है, तो यहाँ पे टेंजेंसी मिलाने के लिए, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 1 दिन। अब देखोगे इनके और इनके दोनों के बीच में मैं लूंगा थ्रू कप लूंगा, ठीक है, थ्रू कप, और ऐड करूंगा इसको भी थ्रू कप, टेंजेंसी को गोली मारो, ठीक है, रिजर्व कर वो ऑन कर देता हूं मैं, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब मैं सारा चीजें ले आता हूँ, जितना भी मेरा प्लान है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं सारा चीजें एक बार में ले आ रहा हूँ, ठीक है, देख पा रहे हो आप। तो ये मेरा जो है बन गया है, तो और अभी इसको जो है मैं क्या कर दूंगा, यूनिट कर दूंगा। पहले देखो हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जो एरिया सही होना चाहिए, और इसको जो है मैं फिलहाल के लिए यूनिट कर दे रहा हूँ। अब क्यों यूनिट कर दे रहा हूँ आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद इसको मैं कर दूंगा रिप्लेस इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। और ये वाला एरिया को हम ऑफसेट कर सकते हैं। देखो अभी मैं सरफेस में नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए कुछ चीजें फायदा भी होता है, पांच का कर देता हूँ मैं, आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 का जो है इसको आगे कर दिया है। अब देखो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो एरिया यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, कोई बात नहीं, तो ये इतना आएगा ही। अब इसको जो है हम कर देंगे यूनिट सबको,
ये वाला एरिया, अब इसके साथ जो है मुझे कुछ कुछ चीजें सेंस करना है। क्या सेंस करना है? अब देखो, पहले हम रेडियस लगाएंगे इसमें, है ना। मैं यहाँ पे 15 का रेडियस लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी 15 का रेडियस लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी 15 का रेडियस लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर 15 का रेडियस लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सारा स्केच जो है बैकग्राउंड में ले जा रहा हूँ, डोटम और जो स्केचेस है मैं बैकग्राउंड पे ले जा रहा हूँ कि क्लीन आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे भी मैं 15 का लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 15 का ही लगा रहा हूँ, डन। तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ना हल्का सा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा आपको। चेंजेस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा ना चीजें दिखाई दे रहा है ना। तो मतलब मेरा जो स्केच है तो यहाँ पे कुछ सही तरीके से मीट नहीं हुआ या कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा चैम्फर, 3 mm का चैम्फर, 3 mm का चैम्फर बोथ साइड कर दूंगा मैं। और इसकी जो रेडियस है, जो ऐसे हमने यहाँ पे रेडियस लगाया और ये वाला रेडियस इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चैम्फर के ऊपर मैं यहाँ पे जाके इसको मैं मेक करंट बॉडी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो रेडियस है इसको मैं बढ़ाऊंगा 30 mm या 25 mm अराउंड कर दे रहा हूँ मैं। ये भी मैंने 25 mm का कर दिया, ठीक है। तो अभी जो चैम्फर है चैम्फर को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। इनिशियलाइज करने के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से बन गया है ना, ठीक है। अब अभी कभी रेडियस को कम ज़्यादा भी करना पड़ता है। तो इसके बाद जो है मैं इसको और इसके साथ इसको यूनिट कर दूंगा, और अभी यहाँ पे कुछ आपको कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने 0-0 में मिला दिया है, अब यहाँ पे भी देखोगे मैंने 0-0 में मिला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपके टॉर्च का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका रेडी हो गया है, क्लियर है। अब देखो, अब स्ट्रक्चर में मेरे को क्या बनाना है, मेरे को ये बनानी है ना, ये बनानी है, ये सब बनानी है, तो ये लॉक वगैरह बनाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए? तो सबसे पहले जो है मैं इसकी एक आर्टिकल बनाऊंगा, आर्टिकल इन द सेंस ये बनाऊंगा। अब ये वाला पर्सन मैं बाद में बनाऊंगा, अभी मैं इसके ऊपर ये वाला पर्सन बनाऊंगा, क्लियर है। मतलब ये वाला पर्सन बनाना है मेरे को, कैसे बनानी है, इस पर्सन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस पर्सन को कैसे बनाना है, मतलब किस तरीके से आप बना सकते हो, इस पर्सन को हम कैसे बना सकते हैं। तो ये जो एरिया है ना, तो सबसे पहले हम जो है इसको कर देंगे स्केल, स्केल कर देंगे। कितना mm लूंगा मैं, 1 mm का नहीं, 1.5 mm का रखेंगे, ठीक है। इसको हम कर दिया स्केल, और सेल करने से पहले यहाँ पे मैं इसको जो सेल है इसको पहले से मैं यहाँ पे थोड़ा सा सैम्फर वगैरह यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सैम्फर यूज करूंगा 3 mm का, 3 mm ज्यादा हो जाएगा, लगभग 1 mm नहीं 2 mm का मैं सैम्फर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कर दूंगा मैं सेल, कितने का करूंगा, 1.5 mm का, क्योंकि अंदर वाला एरिया मेरा अलग होगा और बाहर वाला एरिया मेरा अलग होगा। 1.5 mm का मैंने सेल कर दिया, क्योंकि अंदर रहेगा थ्रेड। थ्रेड कैसे बनाना है वो बताऊंगा मैं बाद में, अभी आपको ये समझना है इसको मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब उसके ऊपर मेरे को स्ट्रक्चर देना है, स्ट्रक्चर देना है इन द सेंस ये वाला एरिया मेरे को देना है ना, ये वाला एरिया देना है मेरे को, जैसे मैंने ये वाला एरिया दिया ना, तो ये वाला एरिया मेरे को देना है स्ट्रक्चर करके, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देने से पहले अब ये वाली एक और एक आपका जो है एक नया सा एक जो है क्या बोलते हो इसको आप, एक तरीके से आपका कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है। और ये जो सेल है ना इसको मैं कर लूंगा 2 mm के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको चेंज करना पड़ेगा ही बाद में। तो 2 mm करने का जरूरत क्या है और मैं क्या रीजन आएंगे वो मैं समझाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद में। तो अभी इसको हाइड कर देते फिलहाल के लिए, और मैं इसकी जो डोटम है ना मैं इसको ले आता हूँ। अभी मैं कोई भी स्केच वगैरह लेयर में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं डाल रहा हूँ ये आपको मैं समझाऊंगा। अब देखो, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, कुछ ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ से इसको मैं ऑफसेट करूंगा। हाँ, ऑफसेट करने से पहले आपको इसको एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला एरिया को मैं प्रोजेक्ट करूंगा,
उसके बाद जो है ये मैं ऑब्जेक्ट ऑफसेट कर रहा हूँ। देखो मैं कोई भी स्केच जो है ना ऐसे नहीं बना रहा हूँ जैसे आप सोच रहे हो, मतलब कर करने के बाद में आपको बता रहा हूँ, वैसे नहीं हो रहा है। चीज़ें मैं एक एक चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी एक आपको ऑब्जेक्ट को करके, तो ये सब जैसे इसकी बाउंड्री लेके काम करोगे ना तो आपके लिए इजी होगा काम, बहुत इजी हो जाएगा। अभी नहीं, कुछ दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा। वैसे 3 mm, 3 mm में ऑफसेट ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरा बाउंड्री बन गया मेरा, अब बाउंड्री के अंदर मेरे को काम करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जो है मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। इसके दोनों के बीच में कितना गैप दूंगा मैं, अराउंड दोनों के बीच में अराउंड मैं गैप दे रहा हूँ 12 mm का, दोनों के बीच में मैं गैप दे रहा हूँ 12 mm। ठीक है, अब जो मेरा फालतू का एरिया है, जैसे मेरा ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया, मैं इसको कर दिया ट्रिम, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया ट्रिम। अब इसके साथ इसको मैं कर दूंगा ऑफसेट। हाँ, ये भी ऑफसेट कर दिया, ये भी ऑफसेट कर दिया, इसको मैं ऑफसेट कर दूंगा अराउंड 8 mm, नहीं मैं इसको 6 mm का ऑफसेट कर दिया। क्लियर है। अब इसके बाद जो है यहाँ से मैं एक एंगल दे दिया, एक सर्टेन एंगल दे दिया। ठीक है, अब ये जो एंगल है कितना डिग्री का एंगल है, 18 डिग्री का एंगल है, इसको मैं 20 कर देता हूँ। 20 डिग्री का एंगल है और यहाँ से इसको एक स्केच बना के इसको मिरर कर दूंगा। मिरर करना ज़रूरत है, नहीं तो आपको अलग से स्केच बना के एंगल देना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है जो मेरा एरिया है, मेरा एरिया है कौन सी आपका काम का है। मेरा जो काम का है ये वाला काम का है, ये वाला काम का है। ठीक है, ये वाला काम का नहीं है, ये वाला नहीं है काम का, ये वाला है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है मेरा क्या हो गया, बन गया है। ठीक है, ये मैंने बना दिया है। अब ये वाला मिडिल सेक्शन तो ट्रिम होता नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल सेक्शन तो ट्रिम होगा नहीं, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया को मैं करूंगा पैटर्न। अब देखो, अब मैं जो है इस एरिया में इसको करूंगा प्रोजेक्ट। अब देखो प्रोजेक्ट करूंगा, लेकिन ये वाला एरिया सर्फेस से बाहर निकल के आया। आप देखोगे ना ये वाला एरिया सर्फेस से बाहर निकल के आया, तो आपको भी बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे बाहर निकालोगे, इसके लिए आपको एक मैं बढ़िया सा सर्फेसिंग का तरीका सिखाता हूँ। देखो ये वाला एरिया 0-0 है, तो मैं 0.5 नहीं 1 mm का मैं आगे कर देता हूँ ऑफसेट। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सरफेस है ना इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब जो 1 mm वाला है इसको मैं कर दिया हाइड। क्लियर है, अब मैं जाऊँगा कार्व में, यहाँ पे करूँगा प्रोजेक्ट कार्व। प्रोजेक्ट कार्व करने से मैं क्या करूँगा, इस स्केच को लूंगा, लेने के बाद इस सरफेस को सिलेक्ट करके मैं इसको डायरेक्शन दे दूंगा। आ गया, आ गया ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना सॉलिड बॉडी, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया हाइड। अब आपको करना क्या है, जो आपकी ऑब्जेक्ट है इसको आपको रखना है, इसको हम कर देंगे ट्रिम शीट सिलेक्ट करना है, इसकी बाउंड्री सिलेक्ट करना है, सिंगल काब लेना है, सिंगल, देखो यहाँ पे सिंगल काब लेना है। ठीक है, कनेक्टेड काब हो रहा है, यहाँ पे सिंगल काब लेना है, सिंगल 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 सिंगल। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों कार्ब को मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। देखो ये वाला एरिया कट गई, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा कुछ। और उससे पहले मैंने स्केच में ना थोड़ा सा मेरा चीजें रह गया है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको मैंने स्केच में क्या कर दिया था, ये वाला एरिया मैंने खत्म कर दिया था, है ना, ये वाला एरिया को मेरे को खत्म नहीं करना था। मतलब देखो मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे यह वाला एरिया मेरा यहाँ पे फिनिश हो गया ना, फिनिश नहीं करना था मेरे को यहाँ पे। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक कर्व लेके, यहाँ पे एक कर्व लेके और यहाँ पे भी एक कर्व लेना था मेरे को, लेके इन दोनों को ना एक्सटेंड करना है मेरे को,
उसके बाद जो ये वाला एरिया है ना, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, और ये जो एरिया था इसको मुझे शो करना था, अब इसको एग्जिट करना था मेरे को। देखो ये वाला तो मेरा हो गया है ना, ये मेरा बन गया है, ये वाला मेरा बन गया है। अब ये वाला एरिया को भी मेरे को प्रोजेक्ट करना है, मतलब ये जो एरिया है ना इसको भी मेरे को रखना है। इसको क्यों रखना है, इसको क्यों रखना है आपको पता लग जाएगा, इसको रखने का रीजन क्या है और क्यों इस रीजन से मैं इसको रखूंगा। अब देखो यहाँ पे ये मैंने बना लिया है, इसको मैंने हाइट हाइट कर दिया, अब ये वाला प्रोजेक्शन एरिया आ गया मेरा है ना। अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब मैं इसको जो है ना कर दूंगा एक्सट्रूड, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड कार्व कर दिया, ये गलती है, कनेक्टेड कार्व नहीं करना है, सिंगल सिंगल कार्व लेना है। अब देखो सिंगल कार्व ले लिया, ये ऑन करना है, डायरेक्शन ये वाला, ठीक है। अब समझ में आएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। ओके ये 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 डायरेक्शन कौन सा वाला, डायरेक्शन कौन सी वाली डायरेक्शन आपको लेना है, ये वाला डन। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे आप ऑप्शन बनेंगे ट्रिम एंड ये, तो यहाँ पे इसको रिवर्स करना है, इसको आपको रख के इसको रिवर्स कर देना है, ये रखना है, इसको रिवर्स कर देना है, इसको रखना है मेरे को राइट, और इसको भी रखना है मेरे को, कर दिया मैंने काम, ये मेरा बन गया। अब दूसरा चीज मेरे को और एक सरफेस लेना है, कितने का मैंने ऑफसेट लिया था, एक का है ना, तो यहाँ पे आप देखो ना कितने का मैंने ऑफसेट लिया था, ये जो है कितने का, ये वाला नहीं पहले वाला, एक का। अगेन मैं यहाँ पे ऑफसेट लूंगा 1 mm का, क्यों ले रहा हूं मैं ऑफसेट, इसको काटने के लिए, इसको काटने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रिम एंड एक्सटेंड लूंगा, और यहाँ पे मैं ट्रिम एंड एक्सटेंड लूंगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा, और इसको मैं चेंज कर दूंगा, और इसके साथ इसको चेंज कर दूंगा, बस कहानी खत्म। इसको हाइड कर दो आप, इसको हाइड कर दिया मैंने, अब इसको शिव कर दो आप, ठीक है हो गया, हो गया ना। अब आपको करना क्या है, ये वाला जो एरिया मैंने स्प्लिट कर दिया था ना, ये वाले एरिया को आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्यों करना है, स्प्लिट नहीं करोगे ना तो ये जो ऑफसेट होगा ना एरिया, ये वाला एरिया जो ऑफसेट होंगे ये पूरा एक सर होंगे, मतलब देखो क्या समझाने जा रहा हूँ, कट दिया इसको, इसके साथ इसको भी आगे लाना है आपको, कितने का 1 mm का, क्लियर है, आ गया। अब इसको हम कर देंगे एरे, एरे बोले तो पैटर्न, बॉडी लेना है, ठीक है, ज्योमेट्री लेना है, ठीक है, कितना लेना है, 5 बनाना है, हो गया आपका काम इजी हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, यूनिट कर देना है बस। अब यूनिट करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, यूनिट करने से पहले जब हम पैटर्न करा इसको ऑफसेट रीजन लेके, तो मैं कैंसिल कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पैटर्न कर दिया, पैटर्न करने से पहले इसमें आप हल्का सा रेडियस वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा रेडियस का यूज कर सकते हो आप, क्योंकि अभी भी शार्प कॉर्नर नहीं बनाना होता है, आपको पता है प्लास्टिक में जितना शार्प कॉर्नर बनाओगे सही नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का सा रेडियस होना चाहिए, तो सभी में देखोगे तो आपका रेडियस जो है हल्का हल्का सा रेडियस आ गया है। तो यहाँ पे भी मैं सब में रेडियस लगा देता हूँ, देखो यही चीज़ें होती है जो करने में टाइम लगता है और आपको समझाने में भी टाइम लग जाता है, तो इसको मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, सब में रेडियस लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो है रेडियस लगा दिया है, अब देखोगे जो टॉर्च है ये वाला पर्सन बन गया, अब ये बनाना है ना, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो अब यहाँ से जो आपके पार्टिंग लाइन बनेंगे ना, तो पार्टिंग लाइन कहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, हल्का सा रेडियस देना पड़ेगा, हल्का सा रेडियस देना पड़ेगा आपको, रेडियस बोले तो नहीं, ड्राफ्ट देना पड़ेगा आपको, हल्का सा ड्राफ्ट। तो यहाँ पे मैं इसलिए रेडियस लगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टेंजेंशियल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 डिग्री का ड्राफ्ट दे रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन, हल्का सा अंदर की साइड। अभी दूंगा मैं, लास्ट में करता हूं मैं। तो सबसे पहले इसके पहले इसको हम कर लेते हैं, ये वाला जो एरिया है इनको हम कर लेते हैं। देखना है आपको किस एरिया में बनाना है, सेंट्रल लाइन मेरे को देखना है, सेंट्रल लाइन मेरे को यहाँ पर रहेंगे, मैं इस एरिया में बनाता हूँ। देखो अब वो जो चीजें है ना, हल्का सा ड्राफ्ट देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, क्या रीजन है, तो वो मैं चीजें आपको समझाऊंगा थोड़ी लेट में, लास्ट में दूंगा हम जो मोल्डिंग के हिसाब से दूंगा ना, जो भी ड्राफ्ट वगैरह सही है वो लास्ट में दूंगा मैं। मेरा जो एरिया फ्लैट है, ये वाला एरिया फ्लैट है क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जो है इक्वल है ना। हमको करना क्या है, इनके बीच में से ना कर्व निकालना है, कर्व निकालना है बोले तो आपको एक काम करना, पहले ना इसकी एक वो निकाल लो, उसके बाद जो है इसकी आपको एक ये निकालना है, प्रोजेक्ट लाइन निकालना है, ये और इसकी भी दोनों के बीच में निकाल दिया, ठीक है निकाल लिया ना आपने। तो उसके बाद जो है इसको हम कर देंगे एक लाइन ले लेंगे, यहाँ ऐसे लाइन लेना है, ठीक है, और दोनों के बीच में एक सर्टेन एंगल देना है, एंगल देना है, लेट्स से मैं 10 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है 10 डिग्री कर देना है। 10 डिग्री करोगे ना तो आप ऊपर से सीधा मारना है या टेढ़ा मारना है वो आपके ऊपर है, लेकिन जो ऑफसेट है इसको मैं कर दूंगा 5 mm का, 5 mm का नहीं 3 mm का कर देता हूँ मैं रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। और सेम थिंग इसको मैं ट्रिम करने के बाद उसके बाद जो है इसको एक्सटेंड करना होगा, ये क्योंकि कनेक्टेड नहीं था आपका, उसके बाद जो है मैं इसको ट्रिम करूंगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। इसको हम कर देंगे मिरर, ठीक है मिरर करना है आपको, मिरर यहाँ पे कनेक्टेड कर्व लेना है क्योंकि बार बार से छोटी छोटी चीज है सिलेक्ट करने में दिक्कत होगा आपको। मिरर ये रहा आपका कर्व आपका, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, कभी सिलेक्ट करने में दिक्कत हो ना, सिलेक्ट करने में दिक्कत हो ना मिरर में, कैसे करना है आपको, ये कर्व रह गया आपका, ट्रिम नहीं हुआ अभी तक, ट्रिम करना है। चलो हम डायरेक्ट मिरर कर देंगे, इसको फिनिश कर देता हूँ। देखो अभी ड्राफ्ट नहीं देने का फायदा ये है क्योंकि ये वाला ये सब काम बाकी है मेरा, ठीक है। इसको मैं जो है 2 mm ऊपर दे दूंगा, -2 mm या -1 mm ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको जो है मैं ऑफसेट कर दूंगा यहाँ 5 mm को ऑफसेट कर दिया, ठीक है 5 mm का ऑफसेट कर दिया मैंने इसको। और यहाँ से ये जो एरिया है -0.5 मैं अंदर कर दूंगा, ठीक है अंदर कर दिया -0.5 का। और यहाँ से अराउंड जो है, क्योंकि इसको आपको कट भी करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाला एरिया है ना इसको तो आपको कट भी करना पड़ेगा, तो अंदर का जो डायमीटर लूंगा मैं उस लूंगा मैं अराउंड, देखो जो लाइट आएंगे वो आपका आएंगे फ्लेक्सुअल आएंगे, फ्लेक्सुअल आएंगे मतलब जो जो भी लाइट आएंगे आपके वो 90, 85 ऐसे आएंगे, है ना 90 आ गया तो हमको 88 करना पड़ेगा,
हम क्या कर देंगे इसको 88 कर देंगे। समझ गया ना, क्योंकि जो भी आइटम होगा ना वो होल्ड करना पड़ेगा आपको, होल्ड करेंगे ना तो यहाँ पे होल्ड करेंगे, तो होल्ड करेंगे तो वहां पे क्या होना चाहिए, ऐसे मित्र इसको कर दो, इसको पांच कर दो, इसको पांच नहीं इसको दो कर दो और इसको एक कर दो। यहाँ पे खत्म नहीं करना है, इसको थोड़ा सा रखना है, जो इसको दो है ना इसको मैं वन कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है ये वाले, यहाँ पे जो ग्लास होगा ना ग्लास को होल्ड करके रखेगा ये, ठीक है, तो ये होल्ड करके रखेगा और इसको मैं आगे ले आऊंगा और आगे ले आया, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि टॉर्च को अगर ऐसे रखोगे ना तो जो इसकी ग्लास है ग्लास में स्कैच ना करे, इसीलिए है ये। और यहाँ पे जैसे मैंने चैम्फर लगाया, यहाँ पे मैंने सिमेट्री लगाऊंगा 2 mm का, तो यहाँ पे इसकी तरह मैं चैम्फर लगा रहे हैं यहाँ पे, और इसको कर दूंगा मैं मिरर ज्योमेट्री, और जो आपकी यहाँ पे सॉरी पैटर्न आ गया, जो मिरर ज्योमेट्री करूँगा तो यहाँ पे एक्स की जगह इसको मैं वाई सी कर दूंगा, वाई सी नहीं इसका हो जाएगा आपका जेड सी होगा ये वाला, है ना। तो ये बन गया आपका इस तरीके से, ऊपर से देखना है कि आराम से मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से होना चाहिए, मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से है तो इसको हम कर देंगे फिलहाल के लिए। देखो अब आपको करना क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे, है ना। अब इसके बाद जो है ये जो है इसको आपको कर देना है डिलीट डिलीट डिलीट, आ गए ये, समझ गया आपने। अब इसको जो है आपको कर देना है पैटर्न बॉडी, कितना करना है पैटर्न बॉडी 5, क्योंकि हमने भी इसमें 5 करा था, है ना। और उसके बाद जो है इसकी सेंटर पॉइंट लेके 5 जो है इसको पैटर्न कर देना है, पैटर्न करने के बाद इसको जो है आपको यूनिट कर देना है। और ये जो आप देख पा रहे हो ना ये जो चलेगा ना ये कोलैप्सिबल कोड से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसके थ्रेड होगा ना वो भी मैं बताऊंगा आपको, मजा आएंगे आगे। जो कोलैप्सिबल कोड यहाँ पे एक अलग सा लिप्टा चलेंगे, यहाँ पे अब लिप्टा चलेंगे, मतलब कोलैप्सिबल कोड से निकालूंगा इसको। अब जितना भी स्केच है मेरा काम का नहीं है तो स्केच को मैं सिलेक्ट निकाल देता हूँ लेयर में, कंट्रोल जे, जितना भी मेरा क्या नाम था इसका स्केच है सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद अब कंट्रोल एल करके नेट को मैं ऑन कर दूंगा। अब सबको ले आता हूँ मैं, अब देखोगे तो टॉर्च की जो अगली वाली पोर्शन है ना, अब मैं जितना भी स्केच है ना सारे स्केच को मैं यहाँ से गायब कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारा स्केच जमा हो गया यहाँ पे, तो मैं 100 कर देता हूँ। और जितना भी प्लान है अब सारे प्लान को मैं यहाँ पे गायब कर दूंगा, फिलहाल इसको सो के डन। अब देखो यहाँ से ये वाला एरिया आपका बन गया है ना। तो यहाँ पे एक सबसे पहले आपको क्या लगाना है, ग्लास लगाना है जो इस एरिया को कवर करे, तो ग्लास जो कवर करेगा आपका इस एरिया को तो ये पूरा कवर करेगा, है ना, तो पूरा कवर करेगा, तो हम यहाँ से एक ग्लास लगाएंगे, बेसिकली पीएस का आता है वो पॉलीस्टायरीन का आता है, तो हम जो है 105 का एक हम ग्लास लगा देते हैं, ठीक है 0 mm। तो ये जो है 1 mm का अपना जो अपने पास जो है ग्लास आ गया, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि आपको समझने में भी इजी हो जाएगा, ठीक है। सेव कर देते हैं फाइल को, पहले YouTube के लिए बना रहा हूँ मैं, तो YouTube वाली फोल्डर में टॉर्च न्यू सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अभी मोल्डिंग के हिसाब से नहीं बना रहा, अभी मैं इसकी एक आर्टिकल जो इसकी एक प्रोटो है ना रेंडम तरीके से तैयार कर रहा हूँ, जैसे हम इसको मोल्डिंग के लिए ले जाऊंगा मोल्डिंग के हिसाब से क्या सही है कैसे कैसे आपको चेंज करना पड़ेगा वो भी तरीका मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, क्लियर है। तो इसको सेव कर, अभी देखो इसमें थ्रेड बाकी है, थ्रेड भी कैसे करना है इसके साथ, जैसे यहाँ पे ये है ना यहाँ पे भी थ्रेड आएंगे ना,
इस एरिया में भी तो थ्रेड आएंगे, तो वो कैसे करना है आपको, वो भी आपके लिए एक चैलेंज है ना, वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला काम मेरा हो गया है बेसिकली, तो आप देख पाओगे इसी तरीके से ये जो है ये बनेगा। अब नेक्स्ट बात आता है, देखो यहाँ पे रहेगा मेरा थ्रेड, अब जो थ्रेड के डेप्थ रहेगा लगभग मैं 1 mm का रखूंगा, है ना, 1 mm रखूंगा, तो यहाँ से मैं एक सरफेस को ऑफसेट करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे 1.5 mm रखूंगा 1 mm की जगह में, क्लियर है। अब इसके साथ मैं ले आऊंगा इसको, डन। अब इसके साथ ये लाओगे तो ये वाला एरिया यहाँ से इसको डाउन करना पड़ेगा, है ना, डाउन करना पड़ेगा ना, नहीं करोगे तो फिर बनेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं कर दूंगा 25 mm की, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा मैं ऑफसेट में जाके सिंगल साइडेड, इसको कर दूंगा -2 mm। इसके बाद इसको आप -2 mm कट भी कर सकते हो, इसको रिप्लेस भी कर सकते हो जैसे ठीक लगे आपको, क्योंकि मेरा सेट के साथ इसको मुझे रिप्लेस करना है, मैं सेट के साथ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जिलेट बॉडी में लेके मैं ये जो वो था ना उसको मैं जिलेट कर दिया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं जाके इसको यूनिट कर दूंगा, यहाँ पे बनेगा आपका थ्रेड का बनेगा, ठीक है। अब इसको एक बार देखोगे ना तो इस तरीके से ये होगा, सेक्शन काटूंगा ना तो हल्का सा गैप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो थ्रेड रहेगा वो सेम थ्रेड आपका कहाँ रहेगा, इसमें दोनों में आपस में होना चाहिए। अब थ्रेड कैसे बनानी है वो मैं आपको बनाऊंगा जब मैं इसको ये बनाऊंगा ना, ये वाला बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे इसके ऊपर ना दोनों क्या पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, तो अभी मैं इसमें थ्रेड नहीं बना पाऊंगा, लास्ट में बना पाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है आप देखोगे ना ये सारा चीज़ें बनाना है मेरे को, ये चीज़ें वो चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें मिरर होगा, कुछ कुछ पैटर्न होंगे, ये बनानी है, तो बट थ्रेड अभी नहीं बना पाऊंगा, थ्रेड में लास्ट में बना पाऊंगा। लेकिन मैं थ्रेड के लिए जो प्रोविजन है ना, जैसे मैंने आपको सेक्शन काट के दिखाया, थ्रेड के लिए मैं जो प्रोविजन है मैं प्रोविजन रख दिया हूँ बेसिकली, क्लियर है। अब देखो दोस्तों, अब जो है इसको दो पार्ट में करना है, क्योंकि क्या है ये मेल पार्ट है ये फीमेल पार्ट है, इस साइड में फीमेल पार्ट रहेगा, लेकिन मेल फीमेल पार्ट को मैं एक बार में नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेल फीमेल पार्ट को बनाने के लिए, इसमें कुछ एरिया कट करना है। क्या कट करना है, देखो यहाँ पे एक मैं स्केच ले रहा हूं, अब मैं ये वाला एरिया बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाले एरिया में बना रहा हूं। मैं क्या करूंगा, एक जो है इसके पास से जहां से ये खत्म हो रहा है ना, यहां से मैं एक स्केच ले रहा हूं, इतना सा जहां से रेडियस लगभग खत्म होने वाला है, जहां रेडियस लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा अराउंड 30 mm का, इसका जो सेंट्रल लाइन है, और इसका जो सेंट्रल लाइन है 0-0 में आना चाहिए, 0 में आ गया, और ये जो एरिया है ये अराउंड हम इसको 30 mm कर देंगे, ठीक है, 30 mm जो है कम हो जाएगा, अराउंड इसको हम कर देंगे 35 mm, क्या है 35 mm का मैंने कर दिया है इसको, और यहाँ से ये बहुत नज़दीक है, लगभग 2 mm के आसपास बहुत नज़दीक है ये, और इसके साथ जो है यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हल्का सा रेडियस है, मतलब फिलेट है ना, इसको मैं 6 mm का रेडियस लगा दिया हूँ, 6 mm मुझे लग रहा है कम है, इसको मैं 8 mm कर दूंगा, ठीक है 8 mm कर दिया, और यहाँ पे भी हल्का सा रेडियस है, यहाँ पे हल्का सा रेडियस मतलब जैसे 2 का रेडियस है, 3 का रेडियस है, वैसा रेडियस है यहाँ पे, ठीक है, रेडियस देना है आपको, मतलब इन द सेंस है से कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ प्रैक्टिकली देना है। अब मैं इसको आगे ले आया, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लिया, और यहाँ से आते 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 मैं इसको मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, जैसे 38 mm में ना इसको मैं यहाँ से सबट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, मैं सबट्रैक्ट मैं खुद करूँगा, हाँ, क्योंकि दोनों पार्ट को मैं अलग अलग बना रहा हूँ, सही लग रहा है आपको, नहीं ना, क्योंकि फिर ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है जो आपने यहाँ पे 38 mm करा था, इसको हम कर देते हैं 40 mm या 42 mm का, अब सही लग रहा है आपको, यहाँ पे कहीं पे भी एज नहीं रहना चाहिए, देखो यहाँ पे एज रह गया तो ये गलत है, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 43 mm करना पड़ेगा। अब
अब सही है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, इसमें मैं लगाऊंगा रेडियस, कितने का रेडियस लगाऊंगा, एटलीस्ट इनका तो लगाऊंगा ना, ठीक है। और ये जो एरिया है यहाँ पे भी आपको रेडियस लगानी है, कितने का लगानी है, एक का लगा लो, ठीक है। ये कुछ आपका जो है 30 mm का डेप बनेगा, और चाहते हूँ ना मैं इसको थोड़ा सा जैसे 43 की जगह मैं 45 कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा गहरा ना हो, ठीक है। ये ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे रिब बनानी है, लेकिन रिब अभी नहीं बनानी है, क्योंकि इस एरिया को मेरे को सेल पूरा ऑब्जेक्ट पूरा सेल करना पड़ेगा, मतलब अंदर से खाली करना पड़ेगा, तो इस केस में ना मैं नहीं लगा पाऊंगा। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे होता है चैम्फर, बेसिकली मिट्टी चैम्फर होता है एंट्री रेडियस के साथ, ये 8 का होता है, इनके आसपास होता है, इस तरीके से ये चैम्फर होता है, क्योंकि आराम से ये एंट्री हो जाए। और यहाँ पे भी हल्का सा देखोगे ना, हल्का सा जो है ना यहाँ पे रेडियस होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे हल्का सा चैम्फर का यूज करूंगा 0.5 के अराउंड, ठीक है, ठीक है, नहीं भी करूंगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे के लिए भी रहने देते हैं, बाद में देखते हैं इसको। ये वाला एरिया मैंने बना दिया, ठीक है। अभी मैं एक साइड का बनाऊंगा, फिर बाद में मैं दूसरी साइड का बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो मिरर वाला एरिया है वो मैं मिरर से बनाऊंगा, और जो पैटर्न वाला एरिया है वो मैं पैटर्न से बनाऊंगा, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा बात जो है, यहाँ पे आपको जो है कुछ स्केच बनानी है, कैसे स्केच बनानी है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से एक प्लान ले लेता हूँ मैं, प्लान बोले तो एक प्लान ले लेता हूँ 10 mm की डिस्टेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कमांड लगाता हूँ इंटरसेक्शन कर्व, यहाँ पे फेस को सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे ये वाला फेस को सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन कर्व ले रहा हूँ मैं, और जो ये जो कर्व है यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं एक कर्व ले रहा हूँ, और इस कर्व को मैं लेंथन कर ले रहा हूँ। लेंथन कैसे करना है, यहाँ पे इसको जाके ये कर देना है, और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है, जितना लंबा हो सके। अब इस कर्व को मैं यहाँ से जाके ट्यूब बना लूंगा, कितने का ट्यूब बनाऊंगा, 10 का ट्यूब बनाऊंगा या 5 का ट्यूब बनाऊंगा वो आपको देखना है, तो यहाँ पे मैं 10 का नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगभग 6 का ट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस ट्यूब को आपको मूव कर देना है इस डायरेक्शन में 3 mm, ठीक है। अगेन कंट्रोल टी करना है, इसको सिलेक्ट करके इसको भी ऊपर दे देना है 3 mm का। अब जैसे मैं इसको करके सब्ट्रैक करके एक बार मैं देख लूंगा, तो मेरा वो था लगभग हुआ कि नहीं हुआ, हाँ लगभग हो गया है, थोड़ा सा इसको मरा करना पड़ेगा, जो हमने ट्यूब लिया था इसको मैं 10 का लूंगा, ठीक है, 10 का लूंगा, तो ये मूव वाला ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा इंप्रेशन नहीं चाहिए मेरे को, है ना, तो यहाँ पे भी इसको मैं 4 mm कर, ठीक है, ये ओके है, हाँ ठीक है, ये ओके है। अब उसके बाद जो ये आर्टिकल है इसको आपको पैटर्न के साथ सजाना है, पैटर्न बॉडी के साथ इसको आपको सजाना है, तो यहाँ पे इसको लेके हम इसको जो है डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन जो है हम ये वाला डायरेक्शन देंगे, ठीक है। कितना चाहिए मेरे को, लगभग मेरे को चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 चाहिए मेरे को, है ना, तो मैं यहाँ पे 5 ले लिया। अब मेरे को मिरर मानना है, मिरर ज्योमेट्री लूंगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कर दिया, सबट्रैक्ट कर देना है बॉडी से इसको 1, 2, 3, 4, ठीक है, खत्म, 1, 2, 3, 4, 5 खत्म, और इसके बाद जो है इसको डिलीट बॉडी कर दे। आगे मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट भी कंट्रोल जे, जो भी कर्व था, जो भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट था, इसको मैं 100 में डाल दिया, ठीक
है, इसको मैं 100 में डाल दिया। अब इसके साथ आपको क्या लगाना है, हल्का सा ब्लेंड, हल्का सा ब्लेंड 1 mm की, ठीक है। तो ये वाला एरिया तो मेरा हो गया काम। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में ना मुझे काटना है। काटने के बाद इसको मुझे करना है स्प्लिट, मतलब खाली करना है मेरे को। हाँ, खाली करने के बाद लास्ट में मेरा यहाँ पे एक काम आएंगे, वो काम मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको आपको स्प्लिट करके बताता हूँ। अंदर रिब भी लगानी है, रिब लगानी है, इसकी बॉसेस वगैरह लगाना है। काम तो है, बहुत काम है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसको मैं फिलहाल के लिए गायब कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी गायब कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ सेल, मेरा सेल ऑब्जेक्ट करना है यहाँ पे। थिकनेस कितना रखना है मेरे को, 2 mm की यूनिवर्सल थिकनेस रख रहा हूँ, 2 mm की, ठीक है। और यहाँ वगैरह में ना रेडियस रखना होता है, इसको हम रेडियस लगाएंगे, अभी भी बाद में लगाते हैं। फिलहाल के लिए इसको कम करते हैं, जो भी काम है इसको खत्म करते हैं। और यहाँ पे इसको जो है, मैं ये जो सेल किया था, इस वाली फेस को भी मैं सेल करूंगा। हाँ, ठीक है, ये वाला भी फेस को मैं फेस कर दूंगा। डन। तो यहाँ पे ये वाले एरिया को मैं फेस को सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे इसकी कनेक्शन काम बाकी है। हाँ, यहाँ पे एक प्लेट लगाएंगे, वो मैं बाद में भी दिखाऊंगा आपको। अब इस एरिया को फिलहाल के लिए मैं ले आता हूँ, और जो ये एरिया है कंट्रोल शिफ्ट बी करके इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट मार देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट यू करके इस वाली फेस को मैं मिरर ज्यामिति करूंगा। कौन सी वाले प्लेन होंगे, एक से वाला प्लेन, ठीक है। अभी आप सेक्शन काट के देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है आर्टिकल बनेगा, है ना। और एक चीज, हाँ, जैसे मैं मिरर मार रहा हूँ, मिरर करने से पहले जैसे मैंने यहाँ पे जिलेट बुटी करा, मारने से पहले इसको सेक्शन काट के यहाँ पे, जैसे ये वाला एरिया में ना मशीनिंग होने में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे आपको रेडियस मारना पड़ेगा। अब रेडियस कितने का मारोगे, 1.5 का मार देता हूँ मैं। 1.5 मारा, 3 का कटर चल जाएगा, यहाँ पे टूल चलेगा। जब आप इसकी मशीनिंग चलेंगे, यहाँ पे कौन सी चलेगा, आप बोलनोस चलेगा ना, जब बोलनोस चलेगा, 3 का बोलनोस चलेगा यहाँ पे फिनिशिंग के लिए। तो ये मैं बोलने का तरीका मेरा ये है, कोशिश करना कि 3 का लगा लो एटलीस्ट, और यहाँ पे भी 3 का ही लगा रहा हूँ। 1.5 मतलब कितना होगा, 3 का टूल बनेगा, तो ये बता रहा हूँ मैं आपको, 3 का आपको चलाना है। जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको 3 ही का ही चलाना है। स्टार बेस नहीं रखना है आपको कहीं पे भी, ठीक है। छोटी मोटी चीज है, बहुत काम आएगा आपको। तो यहाँ पे भी सिलेक्ट करके आप खत्म करना है। है ना, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता नहीं होता है, है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान रख के बनाना होता है जब भी डिजाइन बनाओगे ना। अब इसके साथ कैसे मैटिंग पार्ट देना है वो मैं समझाऊंगा आपको, मैटिंग पार्ट कैसे यूज करना है, कैसे देना है आपको। जैसे यहाँ पे शार्फ है ना, ये वाला शार्फ एरिया है, यहाँ पे बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट अगर यहाँ पे मैं रेडियस का यूज करूंगा तो मेरा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हल्का सा रेडियस का यूज कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यूज कर सकता हूँ, नहीं भी करूंगा कोई दिक्कत नहीं वैसे तो, ठीक है, रहने देते हैं। दोनों रेडियस को मैं रहने देता हूँ, रेडियस को मेरे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को
लेकिन ये जो रेडियस, ये जो शार्प एज है ना, इसको आपको ठीक कर सकते हो, यहाँ पे हल्का सा रेडियस मार सकते हो। यहाँ पे मार सकते हो आप, 1 mm का मार देता हूँ मैं, डन। समझ गए आप यहाँ पे कैसा काम करना है। तो इसको फिर मैं मिरर को यहाँ से मैं करंट फिशर कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपने समझ गए हैं। अब देखो, अगर मैं इस जो रिब है ना, इस रिब को लेते अगर मैं यहाँ पे सेल करता ना, ये कमर लगाता, तो ये होता नहीं है बेसिकली, कि रिब के साथ नहीं हो पाएगा इतना, है ना। तो इस केस में मैंने इस तरीके से मुझे करना पड़ा। अब यहाँ पे लास्ट में मेरा जो है ये टॉर्च का जो ये वाला पर्सन बाकी है ना, ये वाला पर्सन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा ये वाला पर्सन। अब देखो, मैंने तो सेल कर दिया ये वाला पर्सन, मैंने बनाया नहीं, मैंने पहले ही सेल कर दिया। ये वाला पर्सन मैंने बनाया नहीं, पहले ही मैंने सेल कर दिया, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों दिक्कत होगा, मेरे साथ क्या दिक्कत हो सकता है? तो वो वाला चीज़ें मैं अभी आपको करके बताऊंगा। मतलब मान लो आपने सेल कर दिया, उसके बाद कुछ आपको एलिमेंट, जैसे ये मतलब अलग पार्ट होगा, ये पार्ट को ऐड करना है, उस पार्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, इस केस में कैसे काम करना पड़ेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, अभी कोई भी एक फेस को मैं, जो मिरर फेस है ना, मैं इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे मेरे को एक काम करना बाकी है। अब वो वाला काम मैं कैसे करूँगा? देखो, मेरे को जो ऑब्जेक्ट बनानी है, वो मेरे को बनाना है कुछ इस तरीके से। पहले देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर इसके ऊपर लॉक कैसे बनानी है, सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। देखो, हम जो इसको फिटिंग करेंगे ना, हम जो ये वाला एरिया फिटिंग करेंगे, ये कुछ हम अलग तरीके से फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं फिटिंग जो करूँगा कुछ इसके साथ, इसको 0-0 करना है, पहले सेंटर में होना चाहिए, 0 कर दो, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से ऊपर से एक लाइन लेना है आपको। कहाँ तक लाइन लेना है? लगभग 7 mm तक ले रहा हूँ मैं, है ना। इसके बाद 7 नहीं, इसको मैं ले लेता हूँ 65 mm का, थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कर दूंगा ऑफसेट कितने mm का, 5 mm का, इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म यहाँ पे। है ना, तो मैं कर देता हूँ क्विक एक्सटेंड, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर लाइन लेके, जो मेरा सेंटर लाइन है उसके साथ इसको मैं कर दूंगा मिरर, ठीक है, मिरर कर दिया मैंने। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरा आर्टिकल है, कुछ इस तरीके से बन गया है, है ना, इस तरीके से बन गया है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार। अभी उसके बाद जो है मेरे को करना क्या है, यहाँ पे मेरे को एक सेंट्रल लाइन लेके इसके साथ मेरे को कनेक्ट करवा देना है, नहीं तो इसके जितना मैंने 5 mm का ऑफसेट मारा था, इसको भी मैं 5 mm का ऑफसेट मार के इसके साथ छेद कर दूंगा इसको। और ये जाके एक सेकेंड, इसको काट देना है, इसको काट देना है, इसको काटना है, और इसके साथ इसको काटना है। अब देखो, यहाँ पे लगाना है लॉक, है ना। लॉक लगाऊंगा, देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लॉक लगाऊंगा मैं। तो यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा ऑफसेट 5 mm की जगह, इसको मैं लगाऊंगा 3 mm का, इसको भी लगाऊंगा मैं 3 mm का, ठीक है। इसको कर दूंगा क्विक एक्सटेंड, इसको कर दूंगा क्विक एक्सटेंड, और यहाँ पे इसको कर रहा हूँ ख़त्म, ठीक है, कर दे रहा हूँ खत्म खत्म खत्म। अभी इसको मिरर करने की बात करना पड़ेगा, खत्म, ठीक है, क्योंकि मिरर करा नहीं मैंने, इसको मिरर कर दूंगा यहाँ पे पहले मिरर का, ठीक है। अब इसको आप खत्म कर सकते हो।
देखो आप खत्म हो गया आपका, ठीक है इसको भी खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद एक कर्व लेके हम इसको दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, सिमिलरली इसको हम कर देंगे मिरर। डन, तो ये आपका ये जो आपका कर्व बन गया है वो आपका यहाँ पे बन गया है मेरा। जीरो कर देते हैं और इसका जो होगा 1.5 mm का मैं इसको रखूंगा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है 1.5 mm जो है मैं इसको कर दिया रिवर्स डायरेक्शन में। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मेरे आप यहाँ पे मैंने आपको दिखवाया था, अब इसको मैं एक रेप्लिका बनाऊंगा। रेप्लिका बनाऊंगा मतलब आप नहीं समझे, मतलब इसका एक मैं एक्सट्रैक्ट बॉडी बनाऊंगा, मतलब इसकी एक डुप्लीकेट बॉडी बनाऊंगा मैं। डुप्लीकेट बॉडी कैसे बनाऊंगा, एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री लूंगा, फेस नहीं, यहाँ पे एक मैं एक अब बनाऊंगा बॉडी, बॉडी सिलेक्ट करके एक डुप्लीकेट बॉडी बनाऊंगा, और जो पहले का ये है ना इसको मैं हाइड कर दूंगा यहाँ से। अभी मेरा एक्सट्रैक्टेड बॉडी है, एक्सट्रैक्टेड बॉडी को क्या करूंगा मैं, इसको जो है मैं यहाँ से ऑफसेट कर दूंगा। कितना करूंगा मैं, 2 mm का मेरा यूनिवर्सल थिकनेस था, तो 2 mm यूनिवर्सल थिकनेस प्लस 1.5 mm, क्लियर है। और उसके साथ 1.5 mm के साथ इसको आपको टेंजेंशियली टेंजेंशियली भी इसको 1.5 mm ऑफसेट करना है। करने के बाद अब ये आपका बॉडी ले आओ, लेने के बाद यहाँ पे इसको यूनिट कर दो, ये आ गया आपका। इसके बाद ये लाओ आप, इसको ला के यहाँ पे इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, है ना, तो लेके सब्ट्रैक्ट कर दो आप। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप सेक्शन काट के देखोगे ना, जो भी आप सेक्शन काटोगे उस सेक्शन बनेगा आपका इस तरीके, ठीक है। अब आपको काम क्या है, इसको आपको लगाना है रेडियस, वहां पे आपको लगाना है रेडियस। पहले हम इसको रेडियस लगा लेते हैं, यहाँ यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि फिर एक बार में करने में आपको काम हो जाएगा इजी। ठीक है 1.5, 3 का मिनिमम कटर लेके चलाऊं मैं, वहां पे हम एक का लगाऊंगा मैं। डन, तो ये आपका समझ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट यू करके जितना भी मेरा ऑब्जेक्ट था मैं सबको ले आता हूँ एक बार, कंट्रोल शिफ्ट यू कंट्रोल जे करके इसको और इसको इनहेरिट करके इसकी कलर सेम कर देना है। अब देखोगे आप सेक्शन काट के देख लो, सेक्शन काट के आप देख सकते हो, ठीक है इस तरीके से ये मिल जाएगा। देखो देखो यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल एच करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला एरिया ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो ये वाला एक्सट्रूड था ना, ये वाला एक्सट्रूड था या आपका, हाँ ये वाला एक्सट्रूड था 1.5 mm का, और यहाँ पे जो आपने ऑफसेट करा था इसको कितना करा था 1.5, इसको हम ओनली 2 mm बढ़ा देंगे, ठीक है डन। अब 2 mm बढ़ा दोगे तो देखोगे यहाँ पे यूनिवर्सल है। बस इसी तरीके से आपको ये जो है काम करना है,
और यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसको आप हटा सकते हो, नया से रेडियस लगाऊंगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग करेंगे, पहले हम नीचे वाला लगाएंगे, ठीक है, फिर ऊपर वाला लगाना है। ठीक है, दोनों रेडियस एक साथ नहीं लगता है, तो ये वाला काम आपको हो गया। अब आपको तो काम तो हो गया, लेकिन इसको लॉक कैसे करेंगे? जो काम हो गया यहाँ पे लॉक कैसे करेंगे, और इनकी दो बीच, दोनों के बीच में कितना टॉलरेंस आपको होना चाहिए, कितना मतलब आपको टॉलरेंस देना चाहिए? ठीक है, तो टॉलरेंस जब बात करेंगे हम इसमें लगभग जो है 0.2, 0.2 का हम टॉलरेंस रखेंगे इसके दोनों के बीच में। ठीक है, जीरो पॉइंट टू का टॉलरेंस रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे सार बेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रेडियस होना चाहिए। कितने का रेडियस बोला था मैंने आपको? मिनिमम 1.5 का रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखना है 1.5, और ये वाला पार्ट ले आता है। इस पार्ट में भी हल्का सा आपको रेडियस देना पड़ेगा। बस यहाँ तक कोई डाउट? मैंने इसको सेव कर लिया है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी लॉकिंग का, हम लॉकिंग इसकी कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं दो लॉक से लगा सकता हूँ या तीन लॉक भी लगा सकता हूँ, मैं इसको लॉकिंग कैसे करूँगा? लॉकिंग करने के लिए मैं यहाँ पे मशरूम लॉकिंग का यूज़ करूँगा। मशरूम लॉकिंग होता क्या है बेसिकली, देखो मशरूम लॉकिंग मैं कहाँ कब करूँगा, सबसे लास्ट में करूँगा इसको लॉक करने के लिए, मशरूम लॉकिंग होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिलहाल मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को रिब लगानी है, इसकी मेरे को रिब लगानी है। तो रिब लगाने के लिए मैं भी क्या करूंगा, यहाँ पे रिब एक सेंटर लाइन लूंगा, सेंटर लाइन लेने के बाद इसको मैं इस तरीके से आगे कर दूंगा, उसके बाद जो है इसको मैं लगाऊंगा एरे। ठीक पास कर देता हूँ मैं, और इसकी डिस्टेंस जो है 5 mm कर देता हूँ, और इसको 4 mm कर देता हूँ, तो 5 कर देता हूँ, और इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, सारे 3 कर देता हूँ, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 4.5, और इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसको हम कर देंगे सिमिलरली वही वाले काम कर देंगे, डायरेक्शन हम ये वाला दे देंगे, बस हो गया। तो यहाँ पे इसको ला के यहाँ से इसको आपको एक्सट्रूड कर देना है को। ठीक है, एक्सट्रूड करना है, और यहाँ पे जो ऑफसेट है 2 साइडेड कर देना है इसको, इसको -0.5 और यहाँ पे +0.5 कर देना है। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने इसको 12 कर देता हूँ, 12 कर देने में ये आपका जो रिब है, रिब मैं कहाँ तक रखूंगा, इतना तो बाहर तो लाऊंगा नहीं, थोड़ा अंदर रखूंगा, क्योंकि ये बेसिकली डिजाइन के लिए है। ठीक है, जितना लंबा रिब रखोगे उसमें इतना इलेक्ट्रोड लगाओगे, इलेक्ट्रोड रखोगे तो इलेक्ट्रोड पे ग्रेन्स आएंगे, इसमें इचिंग का इलेक्ट्रोड जो ग्रेन्स होगा इसमें इचिंग का थोड़ा सा वो आएगा आपका, तो ये भी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं 8 का कर दूंगा, यहाँ तक कर दूंगा, और इसका जो ऑफसेट होगा ना कुछ इस तरीके से ऑफसेट करना पड़ेगा आपको, -5 -6 -8 8। ठीक है, -8 कर दिया इसको, तो -6 कर दूंगा, -7 करना पड़ेगा इसको,
सेवन, और इसको आपको करना पड़ेगा माइनस फाइव, माइनस सिक्स करना पड़ेगा, करना पड़ेगा माइनस फाइव, डन। और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा रेडियस, ठीक है, पांच का लगा दो, छह का लगा दो, कितने का भी लगा दो, लेकिन दिखना सही है, बढ़िया वाला हो गए। अब इसके साथ इसको हम कर देंगे यूनिट, ठीक है, ये देंगे इसके साथ हम इसको हम यूनिट कर दिया है, और जितना भी ये स्केच है ना फालतू का स्केच को हम इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आपका लुक जो है क्या मस्त लुक आ रहा है इसमें, है ना, डिजाइन के साथ जो है आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया लुक आ रहा है। यहाँ पे नहीं, बाहर बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। इसके लिए यूनिट करने से पहले मैं करंट फीचर कर लेता हूँ, मैं करने के बाद इसको आपको सबट्रैक करना पड़ेगा, फिर इसको इधर से सबट्रैक करना पड़ेगा, इसको इधर से सबट्रैक करना पड़ेगा, इसको इधर से सबट्रैक करना पड़ेगा, इसको इधर से सबट्रैक, ये इधर से सबट्रैक, ये इधर से सबट्रैक, ये इधर से सबट्रैक, फिर जिलेट बॉडी एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर यहाँ से यूनिट का सिस्टम ऑन करना है, ठीक है, ये हो गया, इधर की तरफ से कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कैसे बनाना है इसको, क्या करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में कैसे होंगे, ये जो होल्स होंगे, होल्स में बेसिकली ये बॉसेस रहेंगे, बॉसेस से कैसे कनेक्ट होगा, कितना हाइट में होना चाहिए बॉस, एक प्लास्टिक पार्ट में दो जो बॉस हम कनेक्ट करते हैं जिसमें हम बोल्टिंग के लिए, तो हाइट कितना होना चाहिए पार्ट की थिकनेस के हिसाब से वो बताऊंगा। दूसरे ये जो मैंने पार्ट बनाया इस पार्ट के साथ थ्रेडिंग कैसे लगाऊंगा, मैं कैसे थ्रेडेड लगाऊंगा, ये इसमें थ्रेड कैसे रहेगा और ये वाली पार्ट में थ्रेड कैसे रहेगा, बट इसके जो पार्ट है इसके साथ ये लॉक कैसे रहेगा, ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म कैसे रहेंगे, ठीक है, ये स्लाइडिंग कैसे करेंगे और इसके साथ मैं इसको असेंबल कैसे कराऊंगा, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई अगर चीज़ें पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कुछ अगर सजेशन भी करना देना होगा तो आप मैसेज कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।